नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दो मासूम बच्चियों का एक घर से 7 दिन बाद भूखे प्यासे रेस्क्यू किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि इन बच्चियों को इन्हीं के माता पिता ने एक कमरे में बंद कर खुद शहर छोड़कर चले गए। इन दोनों बच्चियों को मरणासन्न हालत में बचाया गया है। दोनों बच्चियां 7 दिन से बिना खाना पानी के एक कमरे में बंद थी। हालत ये हो गई थी कि इनके शरीर पर कीड़े लग गए थे। एक बच्ची महज 8 साल की है, जबकि दूसरी मात्र 3 साल की है। सबसे शर्मनाक ये है कि माता पिता अपने साथ अपने इकलौते बेटे को ले गए, लेकिन दोनों बेटियों को कमरे में बंद कर छोड़ दिया। बंद कमरे से जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने घर में झांक कर देखा और उसके बाद पुलिस को बुलाकर इन बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। जब इन्हें बचाया गया तो इन्हें होश ही नहीं था। इन बच्चियों को मौत के मुंह से बचाने के लिए 4 दिन तक स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया। अब हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बताया जा रहा है कि पति से लड़ाई की वजह से पत्नी अपने बेटे के साथ घर से 2 महीने पहले चली गई, जिसके कुछ दिन बाद शराबी पति ने भी घर छोड़ दिया और बेटियों को कमरे में बंद कर दिया। तो बेहद ही शर्मनाक और दुखद खबर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दो बच्चियों की कैसी हालत है। अस्पताल में ये दो बच्चियां हैं। 7 दिन से ये दो बच्चियां अपने घर में कैद थी और इन्हें कैद करने वाले खुद इनके माता पिता थे। बेहद दुखद खराब खबर है और ये हैरानी की बात है कि माता पिता खुद कैसे इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को एक कमरे में बिना खाना पानी के कैद कर सकते हैं और घर से जा सकते हैं। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और पत्नी बहुत पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी, अपने एक बेटे को साथ ले गई थी और बाद में पति भी चला गया। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नहीं, मैं तो यहाँ 20 तारीख को आया था सुबह 8 बजे, देखा कि वहाँ इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन हुआ, 60-70 कीड़े मेरे सामने निकले सिर में, फोड़े में से ट्रीटमेंट हो रहा था सर इनका। तो आपको कॉल क्या मिली थी? पूरी कॉल नहीं मिला था, मैं आई थाने से ड्यूटी के लिए आया था केयर टेकर के। अच्छा, तो आप इसकी केयर कर रहे हैं? हाँ, केयर कर रहे सर, 20 तारीख से कर रहे हैं लगातार। लगातार कर रहे सर। क्या दवाइयाँ खाना वाना? दवा वाई सब कुछ रखा हुआ है सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ और खाना है बच्चों का, जो बच्चों को दिया जा रहा है ठंडा बोतल पानी सब इन्हीं का है। ये जो ठंडा बोतल ऐसा ही है सारा, ये देख सकते हैं आप, नमकीन है, दवाइयाँ हैं। दरअसल ये बताते हैं कि यहाँ जो पुलिस वाले उनका बहुत अच्छा काम रहा। ये खुद बिस्कुट सेब केला सारा है जी सर, ये सब इनको बच्चों को। हाँ जी, दिया जा रहा है पूरे थ्रू आउट यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल सर, यहीं पर रहते हैं 8 बजे से 8 बजे रात तक, 8 बजे रात में दूसरा कोई आता है। तो हालांकि बच्चियों का रेस्क्यू हो गया है, पड़ोसियों ने जब बदबू आने लगी घर से तब इन बच्चियों को बचाया, लेकिन बेहद दुखद खबर ये सामने आई है। चिराग गोटी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, अपने आप में ये खबर जो है बेहद शर्मसार करने वाली भी है और दूसरी तरफ बेहद दुखद भी है कि कैसे एक माता पिता इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जो खबरें आप तक छनकर आ रही है वो क्या बता रहे हैं? क्या वाकई सिर्फ पति पत्नी में झगड़े की वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया खुद माता पिता ने? देखिए, शुरुआती तौर पर पुलिस भी ऐसा ही मान रही है, क्योंकि जब पुलिस को कॉल हुई थी 19 तारीख को तो पुलिस मौके पर पहुंची और 11:30 बजे के आसपास पुलिस को जब कॉल मिली, जैसे ही मौके पर पहुंची तो उन्होंने वो देखकर खुद दंग रह गए, क्योंकि जिस तरह से बच्चियां कई दिनों तक घर के अंदर बंद थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकान मालिक थे उनको पता चला, रोने की आवाज़ आई बच्चियों की, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इतला दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालत देखकर, वहां का जो अंदर का मंजर था वो देखकर जाहिर तौर पर उनका भी दिल पसीज गया। बच्चियों ने खाना नहीं खाया था, उनके सर पर इन्फेक्शन हो गया था, जो फुंसियां थी उनके सर पर थी और विजुअल्स में भी आसानी से देखा जा सकता है। कई दिनों तक तो खाना नहीं खाया था, तकरीबन 5 से 6 दिन, ऐसा बच्चियां खुद बता रही हैं। इसके बाद उनको तुरंत अस्पताल, इस समय जहां मैं मौजूद हूं भीमराव अंबेडकर अस्पताल, ले जाया गया। यहां पर डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया। सबसे बड़ी बात ये जो इनिशियली पता लग रहा है कि दरअसल मियां बीबी का झगड़ा था, जिसकी वजह से जो इनकी माँ है वो इनके भाई को, जो दोनों बच्चियों के जो भाई हैं उनको लेकर भाग गई थी। अब फिलहाल पुलिस जो है दोनों को खोज रही है, तलाश रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 7 दिनों तक इन बच्चियों ने कुछ नहीं खाया, ये अपने आप में जो है और सर्वाइव कर गई। उसके बाद जैसे रोने के बाद को पता लगा, पुलिस को इत्तला दी गई, तो अपने आप में। देखिए, अभी हमारी डॉक्टर से बात हुई है या एमएस से भी बात हुई है, उनका कहना है कि जो बच्चियों की हालत अब स्थिर है, चूंकि यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बच्चियाँ कुछ खा भी रही हैं, रिकवरी उनकी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन इतना साफ है जो सर पर उनके फुंसियाँ निकली थी उसकी वजह से जो है घाव अभी भी है, जो खुद डॉक्टर्स का कहना है कि थोड़ा समय ज़रूर लगेगा उसको भरने में, लेकिन स्थिति यही है कि दोनों बच्चियों को बचा लिया गया है। बिल्कुल चिराग, आगे भी आपसे इस पूरे खबर पर हम अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन पीड़ित बच्चियों का क्या कुछ कहना है, आइए ये सुनते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? हिमांशी। कितने दिनों से आप बंद थी ये बताइए?
दो दिन से। और आप अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखती थी, कैसे आप दोनों कैसे दो दिन तक कमरे में बंद रहे? खाना पीना आपको मिल रहा था? पानी पी रहे थे आप? सब कुछ घर में ही था, खाना पीना सब घर में ही था, वो खा लेते थे। आपके सिर में क्या हुआ था? वो दाने निकल रहे हैं। दाने निकल रहे हैं। तो देखिए ये बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पापा क्या मारते थे आपको? हिमांशु और दीपाली। पापा मारते थे आपको? पापा मारते थे। दो छोटिया बोल क्या पापा? पापा कहते थे अगर तू बाहर चली गई तो तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा, मम्मी भी मारती थी? रोज मारते थे? आप भी मारते थे पापा को? क्या कहते थे? हिमांशु और दीपाली ने बच्चों को हालत काफी ज्यादा खराब थी जब 19 अगस्त की रोज ने दोनों आपको दो महीने।